आज धारा के राजस्थानी राज्यों के अंतर्गत काठा कारगर बनना शीर्षक से खंड काव्य लोकार्पण और एक खंड काव्य है और तरुण कुमार दादी ने आज से राजस्थानी राज्यों की शुरुआत की। राजस्थानी राज्यों 20 वर्षों से चल रही है, बीच में कोरोना के कारण प्रभावित हुई थी, लेकिन अब वापस आज से वापस शुरू कर दी है और इसके लिए जी कैसा रहा? बहुत अच्छा आयोजन, ऐसा आयोजन राजस्थानी में होते रहे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जिस तरह से हमने प्रोग्राम किया था जो दिखा वो बहुत ही आगे है और अगर इस तरह की गलतियाँ अगर बच्चों को पढ़ने के मिलेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थानी राजस्थानी भाषा को संबल मिलना चाहिए, वो जरूर मिलना चाहिए। ये जो शब्द दिया है काठे काल जी की बन्ना, इस पे आपका क्या कहना है? क्या क्या कह रहा है शीर्षक की जो सटीक भाषा वाणी सटीक शीर्षक दे नहीं सकते हमारे हिसाब को, क्योंकि यदि आप लोग खुद कर रहे हो इस तरह आपने एक हिंदी में अगर हमने बोले तो यू है कि फोटो यू रहेगा कि किस कर महकेगा सुनते थे, किस कर महकेगा सुनते थे, मगर ये तो कट के महक रहा है चंदन। तो ऐसी बात है कि माँ तो होने होती कि चंदन खाली घसो जदी ये वंडी खुशबू आएगा, लेकिन ये चंदन असो हो वो कट ने आज तक महक रहे हो और ये चंदन पन्नारो पूर्ण प्रताप है कि वही कांठो काल जो राख है मेवाड़ सूर्य रश्मि रश्मि रथ रो वन हाल तक चालू रखे हो स्वरूप रखे हो। अगर पन्ना नहीं बैठती तो प्रताप भी नहीं बैठो, नवदत्त सिंह बैठा भी इतिहास होता है। थोड़ी किताब में जो बच्चा तक पहुंचा हुआ था अपने इतिहास को, या किताब कोई काव्य नहीं है, किताब इतिहास है, तो बच्चा पास जो मेवाड़ी में राजस्थानी में इतिहास पहुँचेगा तो बच्चा ने बहुत लाभ पहुँचेगा और बच्चा और एक इच्छा जागेगा कहानी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आज काठा कालजारी पन्ना जो लोकार्पण है वो गणों हो गयों राजस्थानी माते आज अतरा जो है साहित्यकार है मना अपनी अपनी बात की दी, अपनी कविता गाई, गीत गायो और अपनी कार्यक्रम आते हैं माने जो राजस्थान साहित्य अकादमी रे पाटवी है अध्यक्ष महोदय मना भी गणियों बात की दी कि माने ना राजस्थान में रह वाला लोग मना में राजस्थानी जो बात करनी चाहे बोलनी चाहे और लारे लारे अपनों हिंदी रो सम्मान भी है, हिंदी अपनी देश ने जोड़ा वाली भाषा है, बंडो भी ध्यान रखना चाहे बनने बातें भी बढ़े पर लारे लारे अपने घर में अपने बच्चों राजस्थानी में बात करनी चाहे माँ भी अपनी कविता जो है वो आज गीत सुनाया और गणों मजो आया सभी लोगों ने गुणा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक काठो कालजो रखिन किताब बने दे दो। तो किताब मिल गई है काठा कालचा वाली पन्ना। जय हो।